हेलो एवरीवन, माय नेम इज त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। देखो, आज की वीडियो है हमारा विल के बारे में कि हम एक ही सेंटेंस में विल को दो बार यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो। ठीक है, तो इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहूँगा। मैंने आज सुबह एक वीडियो अपलोड की हुई है जो सबटाइटल की हेल्प से वाली है, तो उसमें एक सेंटेंस है, व्हाट काइंड ऑफ अ डॉश यू आर। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। अब इसमें क्या हुआ, मैंने इस सेंटेंस का बताया हुआ है कि कैसे दोगले इंसान हो तुम, कैसे दोगले हो तुम। तो दोगला, धोखेबाज, वो वाला सेंस होता है। अब एक मेरे व्यूअर ने क्या मतलब उस डॉश को सर्च करके, अब गूगल पे जो मतलब है या फिर डिक्शनरी में जो मतलब है, अब वो उस चीज़ पे कंफ्यूज हो गए कि सर यहाँ पे तो इसका मतलब ये दिखा रहा है। मैं मानता हूँ कि वो दिखाएगा मतलब, क्योंकि देखो कई बार कैसे सेंटेंसेस में क्या होता है, आप वर्ड का मतलब देखोगे अलग होगा। अब जैसे मैंने सेंटेंस बोला व्हाट द हेल आर यू सेइंग, ठीक है, अब ये मैंने लाइन बोली पूरी, व्हाट द हेल यू आर सेइंग, फिर व्हाट द हेल आर यू सेइंग, मैंने पूरी लाइन बोली। अब अगर कोई इसमें से हेल का मतलब सर्च करने बैठ जाए सो उसका मतलब नर्क निकलेगा। ठीक है, नरक, नरक लोग, इस तरीके की चीज़ें निकलेंगी। ठीक है, दुर्गति, ऐसी चीज़ें निकलेंगी। लेकिन जब ये मैंने लाइन बोली व्हाट द हेल यू आर सेइंग, इसका मतलब क्या बकवास कर रहे हो, तो अगर कोई बोलने लगे कि सर नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता, हेल का मतलब तो नर्क होता है। तो सेंटेंसेस के जो मतलब होते हैं कई बार, अगर वर्ड टू वर्ड अगर आप पकड़ोगे तो वो नहीं होता है, वर्ड का मतलब अलग होगा, लेकिन जब आपने उसको एक सेंटेंस में लगाया तो उस पूरी लाइन का मतलब अलग निकलेगा। मैंने उनको ये चीज़ भी बोली है कि व्हाट काइंड ऑफ अ डॉश यू आर, ये पूरी लाइन लिख के सर्च करो गूगल पे, अगर आपको गूगल करना ही है तो इस पूरी लाइन को लिख के सर्च करो, इसका मतलब अलग निकलेगा। वर्ड को लिख के सर्च करोगे तो मतलब अलग निकलेगा, व्हाट द हेल यू आर सेइंग, आप इसमें हेल का मतलब निकाल के सर्च करो और पूरी लाइन सर्च करो, दोनों के मतलब अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से मत जाओ। अब जैसे बाहर इन मतलब ये इंग्लिश में क्या होता है, बाहर के जो लोग हैं, ज़रूरी नहीं है जैसे हमें, मुझे बोला बेवकूफ़, गधा, अब हमारे पास भी गालियाँ होती हैं, उनके पास भी गालियाँ होती हैं। अब उस गाली को अगर आप पर्टिकुलरली वर्ड लेकर सर्च करोगे तो वो अलग निकलेगा, लेकिन अगर आप पूरी लाइन लिख के सर्च करोगे तो मतलब हिंदी में ये आएगा कैसे बेवकूफ़ हो तुम, वहाँ बेवकूफ़ को वो गाली वर्ड मतलब गाली आ जाती है। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है, आप खुद समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो वहाँ पे वैसा आ जाएगा बेवकूफ़ के लिए भी। ठीक है, लिटरल गाली नहीं होगी लेकिन बोलेंगे बहुत गंदा, और आप उसको सर्च करोगे तो वहाँ पे आप उस, आपको उसका मतलब बेवकूफ़ निकलेगा। अब व्हाट काइंड ऑफ अ डॉश यू आर, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत कॉमनली बोला जाता है, तो ऐसा ना हो कल को आपके सामने ये चीज़ आ जाए, आप कन्फ्यूज ना हो कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है इसका मतलब क्या होता है। तो आपको इस चीज़ का मतलब पता होना चाहिए। आप, मुझे लगता है कि शायद कैम्ब्रिज में आपको इसका मतलब मिल सकता है, बाकी और जगह तो इसका मतलब आपको ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप सर्च करोगे कि दोगला धोखेबाज पे प्रॉपर डॉश, वो शायद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हेल में भी नर्क ही आपको मिलता है, लेकिन वहाँ पे सेंस समझना होता है, व्हाट द हेल आर यू सेइंग, व्हाट द हेल यू आर डूइंग, ऐसे चीज़ें हैं। ठीक है, सो ये चीज़ मैं अभी आपको क्लियर करना चाहता था। अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट के ऊपर। मेन पॉइंट है हमारा यहाँ पे विल वाले, ठीक है, कि एक सेंटेंस में विल को दो बार कैसे यूज़ किया जाता है, तो अब हम उस पर आते हैं। देखो, वैसे तो आपको जब आप इंग्लिश बोलोगे ना, तब आपको खुद ही ऐसे सेंसेस समझ में आएंगे कि यहाँ पे मैं विल लगाऊं कि ना लगाऊं, आपको खुद ही रियलाइज़ होंगे। लेकिन इस चीज़ के अगर आपको कुछ पॉइंट्स देखने हैं, ठीक है, तो मैंने वैसे इसके जो है तीन पॉइंट्स बनाए हैं, इन तीन पॉइंट्स के अंदर कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, अगर आप उनको भी समझ लोगे तो भी आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन जो है इसमें दूर हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा ना एडवांस ग्रामर का टॉपिक है। ठीक है, अब मैं चाह रहा था कि पहले आपका नॉर्मल ग्रामर हो जाए तब मैं इस चीज़ को बताऊं, लेकिन एक सब्सक्राइबर है मेरे, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने ऑल दो उनको आंसर दे दिया था उनके क्वेश्चन का, लेकिन फिर यही था कि मैं सारा जितना मुझे पता है मैं वो चीज़ें बता दूं, तो मैंने कहा ठीक है एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, छोटे छोटे से पॉइंट्स आपको समझा दूंगा। तो देखिए, पहले पॉइंट के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो देखो पहली कंडीशन है हमारी कि एक सेंटेंस में दो बार विल तब आएगा जब दोनों सेंटेंस पूरे हैं। ठीक है, इफ बोथ दी सेंटेंसेस आर कंप्लीट देन वी विल मेक बोथ सेंटेंसेस इन फ्यूचर इनडेफिनिट। ठीक है, तो एक पहली कंडीशन ये होती है, तो जो मेरे पास कमेंट में उन्होंने पूछा था उनकी ये पहली कंडीशन फुलफिल कर रही थी, तो दोनों में विल लगेगा। अब जैसे कि मैंने बोला कंप्लीट सेंटेंसेस, जहाँ पे पूरे पूरे सेंटेंसेस हैं दोनों, आई विल गो टू द ऑफिस बट आई विल रिटर्न सून, मतलब मैं ऑफिस जाऊँगा लेकिन मैं जल्दी आ जाऊँगा,
तो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों सेंटेंसेस पूरे पूरे हैं, राइट। अधूरे क्या होते हैं वो भी बताऊंगा, इस नेक्स्ट पॉइंट वही बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझने की कोशिश करो दो बातें पूरी पूरी हो रही हैं, कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, तब हम दोनों में विल का यूज करेंगे। सो आई विल गो टू द ऑफिस बट आई विल रिटर्न सून, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ हटाना चाहूँ तो हटाने को मैं आई हटा सकता हूँ, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। जैसे मैंने बोला आई विल गो टू द ऑफिस बट विल रिटर्न सून, ठीक है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, कि मैं ऑफिस जाऊँगा लेकिन जल्दी आ जाऊँगा, ऐसे। अगर मैं इसको ये बनाऊंगा कि आई विल गो टू द ऑफिस बट आई रिटर्न सून, कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो विल लगाना पड़ेगा। तो जहां पूरे पूरे सेंटेंसेस हैं, कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, वहां पे हम दोनों में विल का यूज करेंगे। सेकंड मैं बताता हूँ इनकम्प्लीट सेंटेंस। इनकम्प्लीट सेंटेंस क्या होते हैं, मतलब सेंटेंस का मतलब तो पूरा है, ठीक है, लेकिन दो अलग अलग नहीं है, एक में ही पूरा जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला आई विल ईट वॉट एवर यू ईट, अब इसमें दो हिंदी में करोगे तो दो आएंगे, जैसे आई विल ईट वॉट एवर यू ईट, मैं वो खाऊंगा जो तुम खाओगे, जो तुम खाओगे मैं वही खाऊंगा, वो वाला सेंस आएगा। सो आई विल ईट वॉट एवर यू ईट, ठीक है। अब ये जो वॉट एवर यू ईट है ना, ये हमारा सेंटेंस क्या बना है, ये सेंटेंस बना है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। सो आई विल ईट, मैं वो खाऊंगा, वॉट एवर यू विल ईट नहीं, वॉट एवर यू ईट, जो भी तुम खाते हो मैं वो खाऊंगा, इस तरीके से, ठीक है। सो अगर यू की जगह ही होता या कोई नाम होता, सो आई ईट वॉट एवर ही ईट्स, तो डस छुप जाता है, यहाँ पे डू छुपा हुआ है, ठीक है। तो पहली कंडीशन आपको ये समझ में आई। अब हम आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे। ये हमारा पहला पॉइंट था कि अगर कंप्लीट सेंटेंस है, दोनों सेंटेंसेस कंप्लीट हैं, तो हम दोनों में विल लगाएंगे। अगर सेंटेंस इनकम्प्लीट है, मतलब एक में ही पूरा चला जाएगा वो, तो वहां पे दो बार विल आपको लगाने की जरूरत नहीं है। मैं वो खाऊंगा जो तुम खाओगे, ठीक है, मैं वहीं जाऊंगा जहां तुम जाओगे, ठीक है। सो आई विल गो वेयर यू विल गो, इस तरीके से मत बनाओ, ठीक है। यहां पे मैं नहीं कर सकता ऐसा कुछ भी, चाय करके देख लो, ये सेंटेंस बनेगा ही नहीं। आई विल गो टू द ऑफिस बट विल रिटर्न सून, बट विल रिटर्न सून बोल सकते हो, लेकिन आई विल गो टू द ऑफिस बट आई रिटर्न सून, कोई सेंस नहीं बनेगा, आपको विल लगाना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, अब हम आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट है इसमें इफ और वैन का, ठीक है, इफ और वैन। अब देखिए होता क्या है, ये जो चीज है ना इफ और वैन, इस चीज के ऊपर मैं भी अभी थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो 100% यही चलता हुआ आ रहा था कि इफ और वैन वाले सेंटेंस में विल नहीं लगता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इफ और वैन वाले सेंटेंस में विल लग रहा है। तो इस चीज के ऊपर मैं पिछले कुछ दिनों से थोड़ा पढ़ रहा हूँ, थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, कुछ चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या वो सेंटेंसेस गलत है। क्योंकि होता यही है कि कई बार एक चीज़ बाहर आ जाती है बोलने में, एक बार कोई चीज़ बाहर आ जाती है, फिर जो आपके रिसर्चर्स होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, जो भी इस चीज़ के ऊपर कुछ कर रहे हैं, वो अपनी उसके ऊपर थीसिस देते हैं, अपना उस चीज़ के ऊपर पॉइंट देते हैं। तो मैं उस पॉइंट के ऊपर बताना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि PhD करने वाले जो लोग होते हैं उनकी वो चीज़ मानी जाती है, बुक्स में वो चीज़ लिखी जाती है। गाने बनने को तो शी डोंट नो, ठीक है, ही डोंट लव मी, ऐसे गाने भी बने हुए हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि किसी भी कोई PhD होल्डर हो या फिर कोई भी रेप्यूटेड इंसान हो, उसने इस चीज़ को नहीं क्लेरिफाई किया है कि आप शी या ही के साथ डू को लगा सकते हो। सो अभी इस चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ कि कोई ऐसा पॉइंट आया है नहीं आया है। जब तक मैं इस चीज़ पर श्योर नहीं होता, मैं भी आपको यही बोलूँगा कि आप वैन और इफ वाले के सेंटेंस के साथ एकदम विल मत लगाओ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस बोला फ्यूचर में अगर कोई भी बात हो रही है और मैंने वहाँ पे इफ लगा दिया, ठीक है, इफ अगर यदि मैंने लगा दिया, तो वो वाला जो सेंटेंस होगा वो आपका बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसके बाद वाला जो होगा, क्योंकि वो दो बातों को जोड़ेगा, उसके बाद वाला जो होगा उसमें आप विल लगा सकते हो। जैसे कि मुझे बोलना हो इफ ही कम्स इन द पार्टी, इफ ही कम्स, ठीक है, इन द पार्टी, मतलब अगर वो पार्टी में आता है, तो कम में डस छुपा हुआ है। इफ ही कम्स इन द पार्टी आई विल लीव, मैं चला जाऊंगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो दूसरा वाला है ना, मैं चला जाऊंगा, इसमें तो मैंने विल लगा दिया, ठीक, लेकिन जो पहला वाला है अगर ऐसा होगा, ठीक है, अगर वो पार्टी में आएगा, तो ये जो अगर वो आएगा, तो यहाँ पे मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में बनाऊंगा, ठीक है, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट के फॉर्म में। इसी में सेकेंड है वैन, एक इफ हो गया और एक वैन हो गया।
जब भी आप वैन भी लगा कर बोलोगे ना कि जब तुम जाओगे मुझे बता देना, ठीक है? सो वैन यू लीव, ठीक है, वैन यू विल लीव नहीं, ये तो क्वेश्चन वाला सेंस दे देगा कि वैन यू विल लीव, तो मतलब तुम कब जाओगे। लेकिन जब फ्यूचर वाले सेंटेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको जब बोलना हो तो आप उस सेंटेंस को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखना। सो वैन यू लीव प्लीज लेट मी नो, कि जब तुम जाओ मुझे बता देना, जब तुम जाओगे मुझे बता देना, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको विल लगाने की जरूरत नहीं है। ऑल दो मैं इस वाले सेकेंड पॉइंट पे अभी थोड़ा और रिसर्च कर रहा हूँ, थोड़ा और समझने की, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नए चेंजेस तो नहीं आए हैं, क्योंकि अगर आए होंगे तो मैं उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल आपको अपडेट दूंगा, अपडेट करूंगा कि ऐसी चीज़ें आई हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप ऐसा ही इस चीज़ को यूज़ करेंगे, ऐसा ही बनाएंगे। अब हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट है जो काफ़ी कन्फ्यूज़ करता है लोगों को विल वाले सेंटेंसेस की फॉर्म में, वो है जब एंड आ जाए बीच में। तो क्या जब एंड आए तो हमें हर बार दोनों सेंटेंस में विल लगाना पड़ेगा या फिर नहीं लगाना पड़ेगा? सो ये भी एक छोटी सी कन्फ्यूजन है जो लोगों के दिमाग में रहती है। इसका एक सिंपल सा जवाब है, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे कोई दबाव देना है, ठीक है, कोई क्लैरिफिकेशन देनी है, कोई पर्टिकुलरली कुछ बताना है, तब आप विल लगाओगे, क्योंकि तब वहाँ पे एक छोटा सा चेंज अपने आप ही करना पड़ेगा कि आप दबाव किस चीज़ पे दे रहे हो, ठीक है, आप क्लैरिफिकेशन किस चीज़ की दे रहे हो, किस चीज़ पे एम्फोसाइज कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे मैंने ये एक सेंटेंस आपके लिए बनाया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा है, हाँ, बोथ ऑफ यू विल गो देयर, मतलब तुम दोनों वहाँ जाओगे, ठीक है, एंड ओनली यू विल डू दैट वर्क। अब मैंने दो लोगों से बोला कि बोथ ऑफ यू विल गो देयर एंड ओनली यू, मतलब एक इंसान को बोल रहा हूँ, और मैं वहाँ पे स्पेसिफाई करके कि ओनली यू विल डू दैट वर्क, ये हो गया। अगर इसी सेंटेंस में मैं ये लूँ कि मुझे किसी पे पर्टिकुलरली किसी को क्लैरिफाई नहीं करना है, मैं सिर्फ ऐसे ही सेंटेंस बना रहा हूँ, तो पता ये सेंटेंस कैसे बनेगा? पहले में तो आएगा ही आएगा विल, बोथ ऑफ यू विल गो देयर and do that work, क्या बना सेंटेंस? मैंने बोला both of you will go there and do that work, मतलब क्या हुआ, तुम दोनों वहां जाओगे और वो काम करोगे, ठीक है। यहां पे मैंने किसी को स्पेसिफाई किया ही नहीं है कुछ भी, ठीक है, समझ में आ गया ना यहां पे। सो अगर एंड वाला सेंटेंस है, मुझे किसी चीज पे एम्फेसाइज करना है, किसी चीज पर दबाव देना है, तब मैं वहां पे अलग अलग विल लगाऊंगा, वरना नहीं लगाऊंगा। अब मैंने यहां पे आपके लिए एक और एग्जांपल लिखा है, आई विल गो टू हर होम, मैं उसके घर जाऊंगा, एंड शी विल गेट शॉक्ड। तो यहां पे मैंने कुछ चीज स्पेसिफाई करी है, पर्टिकुलरली बताया है कि मैं उसके घर जाऊंगा और वो उस चीज से चौंक जाएगी। अब या तो आप इसको ऐसे समझ लो कि दो सेंटेंसेस पूरे हैं कंप्लीट, लेकिन यहाँ पे मैं एंड वाला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई जगह ऐसा होगा जहाँ एंड नहीं लगेगा, जैसे मैंने अभी आपको पिछले वाले सेंटेंस में बताया था। तो यहाँ पे आई विल गो टू हर होम एंड शी विल गेट शॉक्ड, अगर मैं इस विल को हटा दूँ कोई सेंस नहीं बनेगा, आई विल गो टू हर होम एंड शी गेट शॉक्ड, कोई सेंस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली बता रहा हूँ कि शी विल गेट शॉक्ड, वो चौंक जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे आप दो विल लगाते हैं और कहाँ दो विल नहीं लगाते हैं, डबल विल कहाँ आता है। सो ये छोटे छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, और आपको इस चीज़ को ध्यान में रख के आगे के सेंटेंसेस बनाने होंगे। तो अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन हो, कॉमेंट बॉक्स है आपके पास, आप कॉमेंट बॉक्स में जाइए, आप लिखिए। और वीडियो अगर पसंद आई है और यूज़फुल लगी है तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।